नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों सपोज करो आपको पेट में दर्द होने लगे या फिर आपको दस्त लग जाए, बहुत ज्यादा पतली लैटरिंग होने लग जाए, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर अपनी फीस लेगा और प्लस दवाई के पैसे अलग लेगा, लेकिन मैं आपको कुछ दवाइयां ऐसी बताऊंगा जो आप मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट लाके उनकी खुराक बना के इस कंडीशन में आप यूज करेंगे तो आपको तुरंत आराम मिलेगा और तुरंत इससे फायदा मिलेगा। दोस्तों जो मैं आपको दवाई बता रहा हूँ यही दवाइयाँ डॉक्टर भी लिखते हैं और डॉक्टर भी अपने पेशेंट्स को देते हैं। अगर आप ये दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से परचेज करके खुद इस्तेमाल कर लेंगे तो जो है काफी अच्छी से खुराक बन जाएगी, जो आपके पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो या फिर आपको जो है दस्त लग जाए या पेट में मरोड़ो या बहुत ज्यादा पतली लैटरिंग लग जाए तो उसमें काम करेगी। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के आइकॉन को भी प्रेस करें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सपोज करो आपको पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, साथ में आपको मरोड़ भी लग रही है और आपको जो है दस्त भी लग रहे हैं और बहुत ज्यादा आपको पतली लेटरिंग आ रही है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? एक नॉरफ्लॉक्स टीजेड की टैबलेट आती है ये लेनी है और साथ में इंट्रोक्विनॉल की टैबलेट आती है ये लेनी है और मेट्रोजेल 400 mg की टैबलेट आती है आपको ये लेनी है। इन तीनों टैबलेट को आपको मिक्स करके सुबह शाम खाना है, तो इससे आपके पेट में जो दर्द मरोड़ की प्रॉब्लम है और जो आपको जो है लूज मोशन लग रहे हैं और आपका क्या नाम है पेट में जो है मरोड़ है दस्त है ये सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। और बाई चांस आपको अगर साथ में पेट में दर्द भी हो रहा है तो एक मैफ्टल स्पास की टैबलेट आती है साथ में, आप वो भी अगर मिला के लेंगे तो आपके पेट के दर्द की समस्या है और जो आपके दस्त की प्रॉब्लम है और मरोड़ की प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और बाई चांस आपको अगर साथ में गैस की भी प्रॉब्लम है, गैस बन रही है, तो आप एसिलॉक की टैबलेट भी साथ ले सकते हैं। दोस्तों ये मैंने जितनी भी दवाइयां आपको बताई है चाहे तो आप नोटबुक में एक बार लिख के रख लें वीडियो को पॉज करके और आप ये सारी दवाइयां लिख लें, फ्यूचर में कभी भी आपको इन दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। कभी भी अगर आपको दस्त की प्रॉब्लम हो या पेट में दर्द की प्रॉब्लम हो तो आप ये टैबलेट जो है दो दो गोलियां मेडिकल स्टोर से लेके आ जाना और एक एक गोली मिला के तीनों में से चारों में से और सुबह शाम अगर आप खा लेंगे तो आपके पेट के दर्द की और दस्त की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दोस्तों इससे क्या होगा, एक तो आपके डॉक्टर के पैसे भी बच जाएंगे, डॉक्टर की देखो अगर दोस्तों अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो कम से कम मिनिमम डॉक्टर 100 रुपए तो अपनी फीस ले लेगा, अगर कोई अच्छा डॉक्टर होगा तो 200 रुपए भी फीस लेते हैं, बहुत से डॉक्टर तो 500-500 रुपए फीस ले लेते हैं और वो यही दवाई लिखते हैं और ये दवाई आपकी ज्यादा से ज्यादा 30-40 रुपए में आ जाएगी। लेकिन आपके डॉक्टर की फीस देखो जो है काफी ज्यादा वो लेते हैं, कोई डॉक्टर 200 रुपए लेता है, कोई 500 रुपए लेता है, तो आपके डॉक्टर की फीस बच जाएगी। आप ये दवाइयां लिख के रख लें, आपको कभी भी अगर जरूरत हो, आपको कोई भी अगर कभी भी प्रॉब्लम हो पेट दर्द की या फिर दस्त की या फिर पेट में मरोड़ हो रही हो तो ये दवाइयां आप सीधे जाना केमिस्ट के पास और दो दो गोलियां ले लेना। और नॉरफ्लॉक्स टीजेड मैं दोबारा से आपको नाम बता देता हूँ, एक तो नॉरफ्लॉक्स टीजेड है और एक है मेट्रोजेल 400 mg और एक है इंटेरोक्विनॉल की टैबलेट, और साथ में अगर आपको गैस भी बनती है तो एसिलॉक की टैबलेट ले लेना, अगर पेट दर्द भी ज्यादा होता है तो साथ में मैफ्टल स्पास की टैबलेट ले लेना। आप लिख के रख लें, कभी भी आपको जरूरत पड़े तो ये दवाइयां आप ले सकते हैं और अपने आप खुराक बना के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा आप गली मोहल्ले के जो डॉक्टरों के पास जाते हैं वो भी क्या करते हैं, दो तीन दवाइयां अलग अलग मिला के और खुराक बना के दे देते हैं और आपको बोलते हैं एक एक गोली सुबह शाम मिला के इनमें से आप दोनों टाइम लेंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। तो दोस्तों वही दवाइयां मैंने आपको ये बताई हैं, आपकी डॉक्टर की फीस भी बचेगी। अगर आपको बाय चांस बहुत ज्यादा लूज मोशन लग रहे हैं, बहुत ज्यादा पतली दस्त लग रहे हैं तो साथ में एक एम्पल आता है इतना बड़ा, इंटेरोजरमाइना बोलते हैं उसको, वो एम्पल आप ले लेना और वो ओरली यूज करने के लिए होता है, पीने के लिए होता है। उस एम्पल को अगर आप पी लेंगे तो जो आपके शरीर में ग्लूकोज की कमी है वो जो उससे पूरी हो जाएगी। और अगर आपको लग रहा है कि आपके शरीर में वीकनेस आ गई है बहुत ज्यादा, मतलब दस्त जब लगते हैं दोस्तों तो क्या होता है शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, तो इसके लिए आप क्या करना, एक इनर्जेल का पैकेट आता है, ये लिक्विड में भी आता है पाउडर में भी आता है, आप चाहे लिक्विड में भी ले सकते हैं और पाउडर अगर आप लेके आते हैं तो 50 रुपए का पैकेट आता है और एक ग्लास में जो है 2 चम्मच मिक्स करके आप अगर इसको पियेंगे तो इससे इंस्टेंट एनर्जी भी आएगी और शरीर के अंदर ग्लूकोज की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको दवाइयां बता दी हैं कि कौन कौन सी दवाइयों को मिक्स करके आपको जो है इस दस्त की और पेट दर्द की खुराक बनानी है, इस तरीके से आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और आपकी जो है
दस्त की प्रॉब्लम है, मरोड़ की प्रॉब्लम है, इससे तुरंत आराम मिलेगा। तो दोस्तों ये था जो है आज की वीडियो में, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी दवाइयाँ मिला के आपको खुराक बनानी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो से कुछ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको दोस्तों कुछ पूछना हो, किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कुछ आपका सवाल हो या आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।